हाँ, और ये ये कार्निक तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ने की कहते ही बस यूं कहता है कि मैं तो खेलने जाऊंगा, या रोता है लड़कियों की तरह। हाँ ए बोल दी थी, बी बोल दी थी, सी बोल दी थी, डी बोल दी थी, सब पूरी वन से लेके 100 तक काउंटिंग बोल दी थी, तो ए से लेके पूरी जेड तक बोल दी। अच्छा, और ये कार्निक को आप समझाया करो ना कि यार तू पढ़ा करना, तू क्यों नहीं पढ़ता है? मैं क्या करूँ अब, क्यों वहाँ पर इतनी स्लो लिखता है, सब बच्चे फर्स्ट आ जाते, सबसे पहले कभी कभी मैं आ जाती हूँ, सब बच्चे आ जाते, अदी भी आ जाते, अदी तो फिर देखो यार उसने ना अपने पेज फाड़ रखे सारे। पर उसको कहा करो कि यार पढ़ना भी जरूरी है कार्निक, तू पढ़ाई भी किया कर। क्या करे, आपका फ्रेंड है ना वो, हाँ। तो फिर आप उसको समझाया करो ना इस बात के लिए। वो देखो अम्मा ट्यूशन पे ना मैं उसको करवाती हूँ, बाकी वो फिर भी गलत ही गलत, गलत ही गलत कर। हाँ, क्या करें अब इस लड़के का, आप बताओ ना क्या कर सकते हैं इसका। आप बताओ, देखो ना जैसे ना ये वहाँ पे तो कर लेता है, बाकी बहुत स्लो करता है हिंदी। अभी देखो इसने एक दो तीन के पेज फाड़ रखे हैं अदी ने, उसके पेज देने चिपका दूँ, अब उसको 1 घंटा भी लगता है चिपकाने में भी, ये पूरी बुक से ही फाड़ रखी है। आप दीदी मैम से बोला करो ना इसकी पिटाई करे, ये पढ़ता नहीं है, तो इसके पापा ने कहा है। बाकी क्या करे अब, वो वहाँ पे ही पढ़ता, देखो ओरल तो फिर भी कर लेगा, बाकी इधर उधर देखता रहता है, जब भी होमवर्क करते ना तो बस एक लाइन लिख के लू देखते रहेगा। क्या देखता है इधर उधर, ये बच्चों की पढ़ाई देखता है कि कोई कर रहे है क्या, उधर उधर ही तो देख रहे, खुद तो कर नहीं रहा। फिर आज ही ना मतलब कल तो उसने इतनी स्लो लिखा है, सब बच्चे फर्स्ट आ गए। हाँ, और वो कोचिंग भी नहीं आ रहा था कल तो, कि मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। हाँ कल तो अली बस अभी आया था। अच्छा, और आज मैम ने शाम को बुलाया है क्या? हाँ वो कल क्या उसको पार्टी में डाला था ना, किसी के बर्थडे बर्थडे था ना, तो इसलिए वो। अच्छा हाँ, तो मैंने कार्निक को बोला था कि तू है ना डेंसी को बुला, वो तेरी अच्छी फ्रेंड है ना, अच्छी लड़की है वो, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और आपको हमारी छत कैसी लगी? ये क्या मकड़ी की डाले ऊपर टंकी सबसे ऊपर है ना।